हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और हम प्रीवियस क्लासेस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके फैक्टर्स और मेथड्स टू मेजर भी देखा था। तो आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। तो बहुत ईजी और सिंपल टॉपिक है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इनकम इलास्टिसिटी। सो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है इनकम के हिसाब से डिमांड कैसे होगा, मतलब विल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो अगर इनकम बढ़ने या कम होने से डिमांड का चेंज कैसे होगा, हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो जैसे हमें पता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन, जैसे प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन इनकम के केस में से नहीं होगा। इनकम के केस में इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगा और इनकम कम होने से डिमांड भी कम होगा। मीन्स इनकम और ये डिमांड जो है, ये तो बहुत ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ़ द इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ़ द इनकम डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। कैसे है? मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो एक आदमी की इनकम है 50,000 और वो एक LED TV खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और LED का प्राइस है 20,000। मतलब इनकम है 50,000 और LED का प्राइस है 20,000। मीन्स ही कैन बाई दी LED। यहाँ पे डिमांड, सॉरी, यहाँ पे इनकम है ज़्यादा, मतलब इनकम ज़्यादा होने से डिमांड भी इंक्रीज होगा। और जैसे मान लो LED का प्राइस हो गया 70,000 और इनकम है 50,000, ये तो सेम है, क्या वो आदमी खरीद पाओगे LED TV? नो, क्योंकि उसका इनकम है 50 और प्राइस है 70। मतलब इनकम तो कम है और इनकम कम होने से डिमांड भी कम होगा, बिकॉज ही कांट बाय द LED, ठीक है। सो इफ द इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, इफ द इनकम डिक्रीजेस डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन। सो इसका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वान्टिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। अगर हम इसको फॉर्मूला टर्म्स में देखेंगे, सो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो ये इलास्टिसिटी ऑफ इनकम के फॉर्मूला और ये प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दोनों सेम है, बस एक ही डिफरेंस है। सो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस ये इनकम के प्लेस में प्राइस आ जाएगा, बस यही डिफरेंस है, इसके अलावा एवरीथिंग इज सेम। सो द फॉर्मूला फॉर इनकम इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड का मतलब है डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100, ये तो परसेंटेज में है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100। सो ये 100 विल बी कट एंड ये डेल्टा वाई बाई वाई जो इट विल कम ऊपर, सो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू वाई बाई डेल्टा वाई। सो इफ यू रीअरेंज इट, सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू। सो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। सो इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन ईजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन गिवन। सो नाउ वी विल सी एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ कंज्यूमर्स इनकम रेजेस फ्रॉम 10,000 टू 20,000, यहाँ पे इनकम जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड। सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, अगर इनकम इंक्रीज हो तो डिमांड कैसे होगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो इफ द कंज्यूमर्स इनकम रेजेस फ्रॉम 10,000 टू 20,000, हिज परचेज ऑफ गुड एग्स, सो यहाँ पे गुड एग्स जो है राइस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो हिज परचेज ऑफ राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 30 to 50 kg। यहाँ पे इनकम जो है वो तो इंक्रीज हो गया, सो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। देन हिज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर राइस इज, और हमको फॉर्मूला तो पता है इनकम इलास्टिसिटी इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी है, 30 kg to 50 kg है डिमांड। सो परसेंटेज चेंज इन मतलब 50 - 30 by 30, ठीक है, और एंड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन इनकम, और ये इनकम हो गया 20,000 - 10,000 by 10,000। और हम इसको ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करने के बाद हम इसको ये 0.66 आएगा,
ठीक है. सो वंस इफ़ यू सब्सटीट्यूट एंड इफ़ यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.66. सो ये 0.66 है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर राइस. सो अगर आपको ये फॉर्मूला और ये दिस वन, इफ़ यू नो बोथ ऑफ दिस फॉर्मूलाज, यू कैन ईजिली सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन गिवन. सो नाउ विल सी टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इसमें टोटल 5 टाइप्स हैं. सो 0 इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन यूनिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी. सो ये 5 टाइप्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे. और ये रेड में लिखा है, ये जो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है. सो ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम का टाइप्स दोनों सेम है. सो इफ़ यू नो द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द इनकम इलास्टिसिटी. ओके, सो फर्स्ट है 0 इनकम इलास्टिसिटी. सो इसमें कंज्यूमर की इनकम जो है वो तो चेंज होगा, वो तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन डिमांड तो सेम ही रहेगा. ठीक है, जैसे आप इस टेबल में देखिए, इनकम है 100 इनिशियली. सो इनकम 100 होने से डिमांड कितनी है 200, और इनकम 100 से 300 हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ. सो इनकम इंक्रीज होने से डिमांड कितना है 200, मतलब यहाँ पे इनकम जो वो तो चेंज हुआ 100 से 300, लेकिन डिमांड है सेम. सो इनकम है इंक्रीज होने से डिमांड तो चेंज नहीं होगा, डिमांड तो सेम ही रहेगा. सो इफ़ द इनकम चेंजेस एंड इफ़ द डिमांड डज नॉट चेंज, इसको हम 0 इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं. इसके एग्जांपल है सॉल्ट मैचस्टिक्स. ठीक है, एंड ऑल्सो इफ यू सी दिस ग्राफ, सो यहाँ पे IO और I1 दो पॉइंट्स है. IO जो वो तो इनिशियल इनकम है, और I1 जो है वो फाइनल इनकम है. जैसे IO इज 100 और I1 है 300. ठीक है, और यहाँ पे QO है 200, मतलब यहाँ पे इनकम में चेंज है 100 से 300, लेकिन डिमांड में कुछ चेंज नहीं है, बस 200 है. सो इस केस में दिस इज़ द ग्राफ फॉर 0 इनकम इलास्टिसिटी. और 0 इनकम इलास्टिसिटी में इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा 0. सो नेक्स्ट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. अगर एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड का डिमांड कम होगा, जैसे मान लो मिडिल क्लास फैमिली से, सो ये मिडिल क्लास फैमिलीज इनकम के डिपेंडेंट कार्स खरीदते, मतलब लो इनकम होगा तो चीप कार्स खरीदते और हाई इनकम होगा तो एक्सपेंसिव कार्स. लेकिन ये इन्फीरियर गुड्स क्या है? इन्फीरियर गुड्स का मतलब है, जैसे मान लो एक फैमिली है मिडिल क्लास फैमिली, और उन लोगों का इनकम है बहुत कम, मतलब उन लोगों के पास हो एक चीप कार जैसे मारुति कार. ठीक है, लेकिन अचानक से उसका इनकम तो बढ़ गया, मतलब दे बिकेम रिच अचानक से. सो व्हाट डू यू थिंक, विल दे कीप दैट मारुति कार विद देम? नो, सिंस दे बिकेम रिच दे विल बाय अ न्यू एक्सपेंसिव कार. या पे कौन सा प्रोडक्ट रिप्लेस हुआ है? मारुति कार, चीप प्रोडक्ट. सो ये चीप कार जो है हम उसको इन्फीरियर गुड्स कहते हैं. So if the income is low, they'll have that car. If the income is high, they literally replace that car. So यहाँ पे मारुति कार जो replace हुआ है, so ये मारुति कार को हम inferior goods कहते हैं. ठीक है, so this is the inferior goods. अगर एक consumer के income बढ़ने से inferior goods का demand कम होगा. ठीक है, so ये negative income elasticity का value है less than 0. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी. सो यूनिटरी का मतलब है इक्वल टू 1. या पे कंज्यूमर का इनकम, मतलब द चेंज इन द कंज्यूमर्स इनकम इज इक्वल टू द चेंज इन डिमांड. जैसे आप इस टेबल में देखिए, इनकम है 100 इनिशियली, और इनकम 100 होने से डिमांड कितनी है 500. ठीक है, और इनकम 100 से 300 हो गया, सो डिमांड भी चेंज हुआ 700. लेकिन यहाँ पे चेंज देखिए, इनकम के चेंज, मतलब 300 माइनस 100 कितनी है 200, और डिमांड के चेंज 700 माइनस 500 इज 200. सो इस दोनों केस में चेंज जो है वो तो सेम है. अगर द चेंज इज सेम, इसको हम यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं. सो इफ द रेज इन कंज्यूमर्स इनकम इज इक्वल टू द रेज इन डिमांड,
ठीक है. सो इन दिस टेबल द रेज इन इनकम इज 200. सो 100 प्लस 200 इज 300 और डिमांड की रेज तो सेम है, 500 प्लस 200 इज 700. सो यहाँ पर रेज कितनी है, 200 है. सो डिमांड और इनकम में द रेज इज सेम 200, इसलिए हम इसको यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं. और इसका वैल्यू होगा इज इक्वल टू 1. यूनिटरी मतलब यूनिटी इज इक्वल टू 1, ठीक है. और यह है इसका ग्राफ. सिंस देयर चेंज इज सेम सो देयर ग्राफ विल बी लीनियर कर्व, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी. अगर एक आदमी का इनकम में स्मॉल चेंज हुआ, मतलब देयर इज अ स्मॉल रेज इन अ इनकम दैट विल लीड टू अ लार्ज रेज इन डिमांड. जैसे मान लो लैपटॉप है और आईफोन से. सो सिंस वी आर मिडिल क्लास फैमिली, हम विल वेट फॉर द ऑफर्स. हम तो ये ऑफर्स या डिस्काउंट्स के लिए इंतज़ार करेंगे ताकि हम ये लैपटॉप्स या आईफोन्स को खरीद सकते हैं. अगर ठीक है, अगर मान लो फॉर अ मंथ यू गॉट अ बोनस इन योर सैलरी, ठीक है. जैसे इफ योर सैलरी इज 50,000 एंड यू गॉट अ बोनस, सो योर सैलरी इंक्रीज टू लाइक 80,000, जस्ट यू थिंक. मतलब देयर इज अ स्मॉल रेज इन योर इनकम. सिंस यू गॉट 80,000, यू लिटरली गो एंड बाय द लैपटॉप या आईफोन. यहाँ पे इनकम में स्मॉल रेज है लेकिन डिमांड में लार्ज रेज, बिकॉज नॉट ओनली यू, मेनी पीपल विल गो एंड बाय इफ दे गेट द बोनस इन देयर सैलरी. यहाँ पे इनकम में स्मॉल रेज है और डिमांड में लार्ज चेंज है. अगर इनकम में स्मॉल चेंज और डिमांड में लार्ज चेंज, हम इसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी कहते हैं. और अब ये टेबल भी देखिए. सो पहला इनकम है 100, सो इनकम 100 होने से डिमांड है 300 और इनकम 100 से 200 हो गया. मतलब यहाँ पे चेंज कितनी, 200 माइनस 100 हो गया 100. यहाँ पे चेंज है सिर्फ 100, लेकिन डिमांड में देखिए 700 माइनस 300 हो गया 400. मतलब इनकम में चेंज है 100 और डिमांड में चेंज है 400. इनकम में स्मॉल चेंज है और डिमांड में लार्ज चेंज है. इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी कहते हैं. और ये होगा इसका और ये होगा इसका ग्राफ. इनकम है स्मॉल चेंज है और डिमांड में लार्ज चेंज, ठीक है. और ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी का वैल्यू होगा ग्रेटर दैन 1, सिंस इट इज़ ग्रेटर दैन यूनिटी, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन यूनिटी. इसमें इनकम में लार्ज चेंज होगा और डिमांड में स्मॉल चेंज. सो वो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन यूनिटी जो है इसका ऑपोजिट है, ये लेस दैन यूनिटी वाला इलास्टिसिटी. उसमें तो इनकम में स्मॉल चेंज होकर डिमांड में लार्ज चेंज होगा, और ये इसमें लेस दैन यूनिटी वाले में इनकम में लार्ज चेंज होकर डिमांड में स्मॉल चेंज होगा. और अब ये टेबल भी देखिए. सो पहला इनकम में 100 और इसके बाद हो गया 500, चेंज कितनी है 400 और डिमांड है 200, इसके बाद हो गया 300, चेंज कितनी है 100. मतलब इनकम है 400, मतलब लार्ज चेंज है, डिमांड में सिर्फ 100 स्मॉल चेंज है. सो अगर इनकम में लार्ज चेंज डिमांड में स्मॉल चेंज होगा, इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन यूनिटी कहते हैं. और इसका वैल्यू होगा लेस दैन 1. और अब ये ग्राफ भी देखिए. इनकम में है लार्ज चेंज, इनकम में है लार्ज चेंज और इसमें है स्मॉल चेंज, ठीक है. सो दिस इज गाइस इन टुडेस लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स. सो इट्स रियली ईजी एंड इफ यू कंपेयर दम विद द प्राइस इलास्टिसिटी इट विल बी मोर ईजियर. So if you're directly watching this video, I would request you to just go back to my previous lectures where I've discussed about the price elasticity methods to measure and their factors in the three separate lectures. So that if you're completed with that, you can just come back to this. And this is a small topic and really easy to understand. So if you have any queries, you can ask us in our Instagram page or you can post in the comment section. And also you can download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. So thank you for watching. Stay tuned. Take care. Bye-bye.